सबका स्वागत है दोस्तों। आज एक फिर नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो कुछ थोड़ा हटके बनाने वाले हैं हम, क्योंकि कोई मतलब आपने इडली सांभर बहुत खाए होंगे, इडली को झोंक देके उसको सौते करके भी बनाया होगा, लेकिन आज जो इडली की हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही अलग है और आपको बहुत पसंद आने वाली है, और समर में तो ये जरूर से आपको पसंद आएगी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाजू में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए ये सोजी की इडली है, मैंने आपको पहले ये सिखाई हुई, मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जो सोजी की इडली है इसमें से हम बनाने वाले हैं आज, ये देखिए आपने दही भल्ले बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं ऐसे इडली चाट। इसमें से ये जैसे ही हम दही भल्ले को बनाते हैं और इसमें दही डाल के इसे रख देते हैं, वैसे ही मैंने इडली में दही डाल के 10-15 मिनट के लिए अलग से छोड़ दिया था। इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा और कर्ड डालेंगे, थोड़ा सा। इडली को आप सुबह बनाएं और फिर आप इसे थोड़ा सा दही में डाल के इसे छोड़ दीजिए। अगर आपको शाम को खाना है तो दही फिर जब भी आप इसे खाने के लिए निकालें तब इसके ऊपर थोड़ा सा और दही डालें। फिर इसमें डालें आप मीठी चटनी, इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी स्पाइसी वाली, इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला, फिर जाएगा थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ ये धनिया, और इसके ऊपर डालेंगे हम फ्रेश अनार के दाने। ये देखिए हमारी इडली चाट बनके रेडी हो गई है। इसे मैं टेस्ट कर लेती हूँ, अगर कुछ कम हो तो हम डालें इसके अंदर। आपको अगर सॉल्ट कम लग रहा है, चाट मसाला कम लग रहा है, मैंने सॉल्ट नहीं डाला है क्योंकि चाट मसाला मैंने डाला है, इसलिए अगर आपको थोड़ा सा सॉल्ट और डालना है तो आप डाल सकते हो, मैं ये आपको टेस्ट करके बता रही हूँ। बहुत सॉफ्ट बनी है ये, आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे एक चम्मच और खाना है, बहुत टेस्टी है ये, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनी है, आप ट्राई करें। ये बहुत ही यम है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपके कमेंट्स मुझे पूरी क्रिएटिव फूड लैब में जरूर लिखकर भेजें। थैंक यू दोस्तों।